बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू आवर चैनल कुकिंग नेवरन्स। तो क्या ख्याल है, माहे रमजान चल रहा है, कुछ हेल्दी हेल्दी, कुछ मीठा मीठा, कुछ ठंडा ठंडा हो जाए। चलें जी फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। किन किन चीज़ों की ज़रूरत है बताती हुई जाऊँगी। सबसे पहले चाहिए एक एप्पल, ठीक है, दो अदद हमें चाहिए बनाना, 2 पीस हम लेंगे कीवी के, इजीली मार्केट में अवेल है, बट प्राइसेस इसकी आसमान से बातें कर रही है, डोंट वरी, कोई नहीं, 2 पीस ही चाहिए थे। कुछ चाहिए स्ट्रॉबेरी के पीस, मैं 7 पीस यूज़ करूँगी स्ट्रॉबेरी के। और एक अदर चाहिए चीकू साहब, ठीक है। अच्छा, ये वो आप लोग इसमें से फ्रूट का जो है एडिशन मोर भी कर सकते हैं, कोई आप इसमें से कम भी कर सकते हैं, जो भी सीजनल फ्रूट मार्केट में इसलिए अवेलेबल है आप ले लेना, ठीक है। मुझे यही इसलिए मिले, मैंने ले लिए। और अब इसमें जाएंगी कुछ किशमिश, जो कि ब्लैक पर रखूँगी तो नज़र नहीं आएंगी, ये भी ऑप्शनल है, ठीक है, ये हम यहाँ पर रख रहे हैं। और इसमें 2 अदर जो है पुडिंग के साशे जाएंगे, किसी भी ब्रांड के ले लें, क्योंकि मैं किसी ब्रांड को तो यहाँ पे प्रमोट करने के लिए बना, अदरवाइज मैं आपको नेम बता देती, ठीक है। एक अदद लेमन है जिसका हाफ लेमन यूज़ होगा, ठीक है, वो भी हम बनाना और एप्पल पे डालेंगे ताकि ये ब्लैक ना पड़े, ठीक है। ऑप्शनल है, आप चाहे तो यूज़ करें। अब क्या ख्याल है, अब कटिंग फ्रूट की हम बाद में करेंगे, ताज़ा ताज़ा, ठीक है, लेकिन पहले हम इसकी पुडिंग रेडी करते हैं। हमें एक अदद चाहिए सॉस पैन, ठीक है, इसमें 1 लीटर जो है मिल्क जाएगा, सेकेंड। अब हम क्या लेंगे, हैंड बीटर की मदद से इसको अच्छे से बीट कर लेंगे, ठीक है। अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया, पहले मैं इसको मिक्स कर लूँ। अभी मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है, आपको मेरे चूल्हे का शोर सुनाई दे गया होगा, आजकल ये बहुत शोर मचाता है जी। मेरे व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि बबल्स आने स्टार्ट हो गए हैं और इसको पकते हुए कोई 1 मिनट हो गया है, मैं जो है फ्लेम ऑफ करने लगी हूँ, इसको हम थोड़ा सा कूल डाउन होने देते हैं, ठीक है। जितनी देर में पुडिंग का जो है मिक्सचर जो है ठंडा होता है, हम इन तमाम फ्रूट्स को कट करते हैं, ठीक है। अच्छा माय व्यूअर्स, यहाँ पे मैं एप्पल का जो है स्किन जो है रिमूव नहीं कर रही, इसलिए नहीं कर रही क्योंकि इतनी खूबसूरत स्किन है ना उसकी, उसको रिमूव करने को मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, ठीक है। इसके क्यूब्स काटेंगे हम, ये आप बनाना कट करते हैं, कट चुके हैं। अब हम उठाएंगे फ़ौरन से लेमन, क्योंकि बनाना और एप्पल बहुत जल्दी ब्लैक हो जाते हैं, लेकिन हम इसके ऊपर थोड़ा सा लेमन जूस जो है स्प्रिंकल कर देंगे, इससे क्या होता है ये अपना रंग नहीं बदलेंगे, अदरवाइज़ ये अपना रंग बड़ी जल्दी बदलते हैं। स्ट्रॉबेरी कट करते हैं, अब कीवी काट लेते हैं, इसके रिमूव करते हैं हम, ठीक, कीवी भी डन है। लास्ट में जो रह गया चीकू, इसको लेके आते हैं। चले जी, हमारा तमाम फ्रूट्स जो है डन है। यहाँ पे एक लेमन पड़ा हुआ जिसको मैंने उठा के साइड पे कर लेना, क्योंकि मुझे हाफ ही चाहिए था, ठीक है। हमें चाहिए एक अदद मोल्ड जिसमें हमने अपनी पुडिंग जो है सेट करनी है। अच्छा, आप लोग ना कोई सा भी फ्रूट पहले डाल सकते हैं और ना भी डालें, इन सब ने ना मिक्स हो जाना है आपस में, ठीक है, सारे नज़र आएंगे हमें अपनी पुडिंग की टॉपिंग पे, ठीक है। सेकंड पे हम अपनी डालेंगे कीवी, ठीक। अब हम डालेंगे बनानास। चले जी, अब बनाना हम स्प्रेड करते हुए जाना, और आप लोगों को जो हमारा बैकग्राउंड म्यूज़िक की जगह आज बच्चों के खेलने का शोर नज़र आ रहा है, आप लोगों ने टोटली इसको अवॉइड करना है। अब यहाँ पे जा रहे हैं एप्पल, अब बारी है चीकू की, इसको भी डाल देते हैं। आप लोग कोई सा भी व्यंजन, जैसे बताया ना, ऑप्शनल है, फ्रूट कोई बढ़ा सकते हैं, कोई कम कर सकते हैं, जो इसीलिए अवेल कर लीजिएगा। लास्ट में फिर हम एक दफ़ा थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी हमने बचा ली थी, उसको हम रख रहे हैं, पता क्यों, हमारे घर में ये स्ट्रॉबेरी बड़ी पसंद है। ड्राई फ्रूट्स में जस्ट हम किशमिश डाल रहे हैं, वो भी ब्लैक वाली, जो कि मेरी फेवरेट है जी। अब लास्ट में कोई सा भी बिस्किट है तो वो आप इसको तोड़ के फेंक लें, ऐसे ही फेंक लें, ऐसे ही फेंक लें, लगाना है तो।
आप देख रहे हैं ये तकरीबन 1 लीटर में जो हमने 2 सैशे पुडिंग ऐड करके पकाया था वो सारा इसमें हमने डाल देना, ठीक है जी। मेरे व्यूवर्स आप देख रहे हैं कि अब हमने इसको 45 मिनट्स के लिए जो है रूम टेम्परेचर पे यहीं किचन के काउंटर पे छोड़ेंगे। इसको थोड़ा सा ठंडा और थोड़ा सा जमने देते हैं, उसके बाद जी इसके ऊपर प्लास्टिक टैप लगा के हमने फ्रिज में रख देना है 2 से 3 घंटों के लिए। तो जी नासी इसको कोई 40 to 45 मिनट्स हो गए हैं, ठीक है। रूम टेम्परेचर इसको मैंने किया है ठंडा, अब मैं इसको कवर करती हूँ। तो जी नाजरीन इसको मैंने रैप कर दिया है, ठीक है। अब हम इसको रख रहे हैं फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए, यख ठंडा नहीं ठंडा करना है इसको। चले जी 2 से 3 घंटे हो गए हैं, अब हम जो है अपना कवर उठाते हैं, रैप को साइड पे करके निकालते हैं इसको, ठीक है। और अब बड़े ही ध्यान से कोई इतनी बड़े साइज़ की प्लेट हो लाएंगे, ठीक है, और फिर इसको इसके ऊपर डालेंगे, ठीक है। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बहुत टेंशन थी इसकी पुडिंग की कि कैसी बनेगी, अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी आप इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ ड्राई रोस्टेड आलमंड, ठीक है। ऑप्शनल है, आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, ना भी डालें तो बहुत हसीन है ये। चले जी ये हमारा कैरीमल केक था, ठीक है। अब इसके ऊपर हम कैरीमल जो है अपना लगाएंगे, ठीक है। सॉरी केक मुँह से निकल गया, ये कैरेमल पुडिंग है। चलें जी कैरेमल पुडिंग को हम कट करते हैं, ठीक है। चलें जी अब इसको टेस्ट करने का टाइम आ गया। ऐसे कैसे हो सकता है कि इतनी सारी मेहनत की हो, इसको टेस्ट किए बगैर ही हम चले जाएं, रिव्यू दिए बगैर ही चले जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठंडा मीठा, आप लोग इस पे अफ्तार में भी इसको रेडी कर सकते हैं और ईद पे तो लाजमी बनाएंगे, मेहमानों के सामने रखिएगा, बहुत यम्मी बहुत टेस्टी।